पद्मावती फिल्म को लेकर प्रदेश में जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भिवानी में आयोजित जनाक्रोश रैली में बड़ी तादाद में पहुंचे राजपूत समाज के नुमाइंदों ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो जो हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ वो होगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर सरकार ने मूवी को बैन नहीं किया तो आज की रैली में उमड़ी हजारों युवाओं की भीड़ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्रसन्न जी, गलती से भी सोच मत लेना फिल्म को रिलीज करने की, हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, सेंसर बोर्ड में कुछ नजर नहीं आएगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारे साथ खिलवाड़ ना करें, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ प्रदेश जिस और ले जाना चाहती है सरकार, हम नहीं चाहते उस और प्रदेश जाए। हम प्रदेश में शांति बहाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं माँ पद्मावती फिल्म बैन लगे, पूर्ण प्रतिबंध भारत सरकार लगाए, परंतु अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तो जिस प्रकार से आज ये हजारों हजारों नौजवान जिस रैली में उमड़े हैं, मुझे इनको रोकना पड़ा, भारी पड़ जाएगा। रैली में पहुंची देवा फाउंडेशन की संस्थापक साध्वी देवा ठाकुर ने कहा कि सरकार दो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए फिल्म को रिलीज करवा रही है। इस फिल्म पर विदेशी ताकतों का पैसा लगा है तथा उनको फायदा पहुंचाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, मगर उन्हें चाहे दुर्गा या चंडी जो भी बनना पड़े पर वे फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगी। इसके लिए दुर्गा चंडी कुछ भी बनना पड़ेगा तो हम बनेंगे, लेकिन पद्मावती मूवी नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये दाऊद का और बाहर विदेशी ताकतों का पैसा लगा हुआ है। इसलिए इसके लिए दुर्गा चंडी कुछ भी बनना पड़ेगा तो हम बनेंगे, लेकिन पद्मावती मूवी नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये दाऊद का और बाहर विदेशी ताकतों का पैसा लगा हुआ है। क्योंकि पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय कली सेना ने प्रदेश में शांति की बहाली चाहते हैं, इसलिए फिल्म पर बैन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए, अगर लोगों की भावनाओं के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया तो हजारों नौजवानों की उमड़ी भीड़ को रोकना बहुत मुश्किल व भारी होगा। से जिंदगी लाइव की रिपोर्ट।